नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों, ये शर्ट सीरीज का पार्ट आखिरी है और इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आप इसमें प्रेस किस तरीके से लगा सकते हैं, इसका जो कॉलर होता है उसको आप किस तरीके से बैठा सकते हैं बहुत ही अच्छा। तो किस तरीके से सब कुछ बनाना है और किस तरीके से प्रेस लगाना है, कॉलर को बैठाना है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। ये आखिरी पार्ट है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, शर्ट में प्रेस लगाने से पहले आप जो है उल्टी तरफ भी प्रेस लगा लें। इसमें उल्टी तरफ ज़रूरी होती है, जितनी भी सिलाइयाँ खींच रही होती हैं हमारी वो नहीं खींचती हैं। और अब हम जो है इसमें उल्टी तरफ प्रेस लगाते हैं और प्रेस लगा रहे हैं। अगर आपकी ऑटो कट है तो ठीक है, ऑटो कट नहीं है तो आप कपड़े पे लगा के पहले देख लें। अगर आपको लगाने में दिक्कत पहली बार लगा रहे हैं तो कपड़े पर लगाएं, इस पर नहीं। इसका कपड़ा ले लें थोड़ा सा और फिर लगा के देखें प्रेस, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस हो अगर इसमें की है तो आपकी शर्ट जल सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर ऑटो कट है तो वो आप जितने पर सेट कर देंगे उतने पर ही रहेगी। तो देखिए, एक साइड हमने ये लगा दी। अब इधर साइड में जो है ये हम इधर साइड में अंदर से सामने में पॉकेट में भी प्रेस लगा लेंगे। अब जो है हम ओपन में भी अंदर से प्रेस लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या है हमारी ओपन तभी अच्छी बैठती है। तो ये हो गया। अब जो है हम इधर वाली साइड में भी प्रेस लगा लेते हैं। ये जो बटन वाली पट्टी है इस पर भी हमें हल्की हल्की प्रेस लगा लेनी है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आस्तीन में आपको लगाना है। तो सबसे पहले उल्टी तरफ आप लगा लें और ये जो पट्टी है इस पर भी आपको ऐसे करके उल्टी तरफ प्रेस लगा लेना है और फिर जो है इधर साइड में इसको मोड़ के इधर साइड में प्रेस लगाना है। अब जो है हम कफ को डबल करेंगे, अब कफ पे प्रेस लगाएंगे, क्रीज बनाएंगे बीच की। अब जो है हम अब इसको ये देखिए, ये किनारी है, ये जो पट्टी है इससे बिल्कुल किनारे पे, और इसको जो है ये बीचों बीच में या ये इधर साइड में आप रखें। ये चीज़ जितनी भी ये चीज़ है इसे थोड़ी सी चौड़ी आप बीचों बीच में ये चीज़ ले आएं और ऐसे करके प्रेस लगा दें। ओके, इधर साइड में बीचों बीच में आना चाहिए, इधर साइड में जितनी है वो अपने आप ही पहुंच जाएगी। तो उसके बाद जो है ये अंदर से सबसे पहले आपको क्रीज ये बना लेना है। अब देखिए इधर साइड में, अब इधर साइड में इधर से सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर, और जो है यहाँ पर प्लेट बना लेंगे। आधी आस्तीन तक हमको प्लेट डालना होती है इस तरीके से। और कॉटन की शर्ट है तो आप इसको थोड़ा सा पानी छिड़क लें जिससे जो है प्रेस अच्छी मतलब लगती है थोड़ी सी। तो इतना काम हमारा हो गया। अब उधर वाले आस्तीन में भी सेम ऐसे ही आपको लगा लेना है प्रेस। अब देखिए ये इस तरीके से सामना आपको बैठा लेना है और ये जो दबाव है ये बैक साइड में रखना है ऐसे। अब हम इस पर प्रेस लगा लेंगे, सामने की पट्टी पे अच्छे से आपको लगाना है प्रेस और उसके बाद पॉकेट पे। अगर कपड़े में चमक आ रही है तो आप जो है कपड़ा रख के प्रेस लगाएं। अगर जो नए कपड़े में आपके मतलब शर्ट में अगर आपके या पैंट में चमक आ रही है प्रेस की तो आपको जो है कपड़ा रख के प्रेस लगाना होगी, समझ गए ना, क्योंकि जो है चमक नहीं आना चाहिए कपड़े में। तो ये हमने देखिए सामने में बिल्कुल बैठा के लगा ली। अब जो है इसको हमको ऐसे करके रख के ऐसे, अब जो है इसकी साइड में प्रेस लगाना होगी, साइड बिल्कुल कगर से प्रेस लगा लेनी है।
अभी कॉलर नहीं बैठालना है, अभी जो है हमारी बैक में प्रेस लगेगी। अब अब देखिए इसका दबाव जो है हम इधर साइड में कर देंगे। और फिर इस पे प्रेस लगा लेंगे। ये जो है ये हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीरे में बैक साइड में लगाना है हमको, ऐसे करके रखते, क्योंकि यहाँ पर भी प्रेस लगना ज़रूरी है और खींच के या सिलाई पर ज़रूर लगाएं। और गुलाई में इस तरीके से रखते और तीरे पे अच्छे से प्रेस लगाएं। और इस पर क्रीज नहीं लगाना, इस पर क्रीज नहीं बनना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आई कॉलर की बारी। अब कॉलर पे देखिए क्या करना है, कॉलर पे लगाना है इस तरीके से हल्का सा पानी, और कॉलर पे इस तरीके से पकड़ के इस पर पहले मुलायम करें, इसको प्रेस लगाएं इस पर अच्छे से। ये देखिए ये इतना काम हो गया। अब हमको क्या करना है, अब जो है इसको नोकों को पकड़ के ऐसे करके घुमाना है और ऐसे करके इसको रखना है। अब ये स्टोन से ऐसे करके कगर से बनाना है और इतना हमको तोड़ना है कलर, और ऐसे करके घुमाना है और फिर जो है इधर साइड में ऐसे करके घुमाना है हमको ऐसे करके इसको। ये देखिए अभी ये गोल नहीं हुआ है, अभी ये होगा गोल। इसको ऐसे करके बटन सारे हम लगा लेते हैं सबसे पहले। तो अब जो है हम ऐसे करके इसको रखेंगे। ये देखिए ये हो गया काम, अब हमको ऐसे रखना है ये। अब इस पर हल्का सा राउंड में पानी लगाएंगे। ये देखिए पानी रखा हुआ है, ये हमने हल्का सा राउंड पे लगाया। इतना इतना हमको छोड़ देना है, इस पर प्रेस आगे के हिस्से में नहीं लगती है। अब हमको ऐसे करके रख के, तो ऐसे करके देखिए ये राउंड में प्रेस लगाना है। ये हमारा अब गोल बैठ गया कॉलर इस तरीके से। तो देखिए हमारी शर्ट जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास बैठी हुई है इसमें इस तरीके से। अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पानी लगाएंगे ये जो सिलाइयाँ हैं इन पे, क्योंकि ये जो है हमें साफ चाहिए बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको पकड़ना है ऐसे करके अच्छे से यहाँ पर प्रेस लगाना है, ताकि ये जो है यहाँ पर नम वगैरह ना हो हमारी बिल्कुल। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब प्रेस देखिए लगाने को तो आप ऐसे ही चपका सकते हैं, कैसे भी लगा दें, लेकिन एक तरीका होता है ना, तो उससे जो है
बिल्कुल ही सही बैठती है हमारी शर्ट भी, और पहनने में भी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से देखिए हमने ये यहाँ पर बैठा ली पूरी। अब इसको देखो पकड़ना है और ऐसे करके पलट देना है। अब ये हमने पलट दी। अब देखिए ये जो साइडें हैं इन पर भी हमको पानी लगा लेना है हल्का सा, ये यहाँ पर। अब उसके बाद जो है इन पर प्रेस। अब पूरी बैक में तुम्हारी लगी है, सिर्फ यहीं पर नहीं लगी थी, तो यहाँ पर हमको इस तरीके से लगा लेना है प्रेस। अब जो है हम इसको तहा देंगे। अब ये साइड देख लेना है आपकी इतनी ही टूटे, 1.5 इंची लगभग, ज़्यादा नहीं टूटना चाहिए। बस जो है इसको ऐसे करके सीधी सीधी इस तरीके से रख देना है, और ये उठाना है आपको और यहाँ से ऐसे पकड़ना है, इसको ऐसे करके रख देना है, और इधर साइड में भी। अब दोनों बराबर रहें तो ऐसे करके आपको देख लेना है एक बार। अब ये देखिए इस तरीके से ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, ऐसे हमने ये रख दी। ये देखिए हमारी बिल्कुल ही तह गई प्रेस। अब यहाँ पर किनारियों पर प्रेस नहीं लगाना होती है, क्योंकि किनारी पर नहीं लगती है जब। अब हम क्या करेंगे, देखिए कितनी फर्स्ट क्लास हमारी बैठी शर्ट। यहाँ पर हल्की हल्की सी बस ऐसे करके हम लगा देंगे। तो इस तरीके से जो है आपको प्रेस लगाना है। तो देखिए कितनी फर्स्ट क्लास दोस्तों हमारी शर्ट का कॉलर और शर्ट बैठी है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको प्रेस लगाना है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और दोस्तों शर्ट की दूसरी सीरीज शुरू करें या ना शुरू करें, आप अगली शर्ट में क्या है हम जो है अलग तरीके से बताएँगे। लपकी पैर की सिलाई होगी और उसमें जो है अलग तरीके से चाकपट्टी बनेगी, ताबीज वाली पक्की चाकपट्टी बनेगी, और उसमें जो है थोड़ा सा अलग अलग होगा, जिससे जो है शर्ट थोड़ी सी अलग होती है ना, तो उस वजह से। या इसके बाद जो है हम पैंट की सीरीज शुरू करें तो कमेंट में वही बताना, या सूट ब्लाउज किसकी शुरू करें तो कमेंट में दोस्तों बता देना। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।